अब जैसे वेडनेसडे फिल्म की स्क्रिप्ट मेरी मेज पे कुछ छह महीने पड़ी रही क्योंकि वो दब गई थी और स्क्रिप्ट में एक दिन मैं देख रहा था फिर मैंने देखा ये, ये, ये मुझे ठीक लगती है वो मैंने निकाल के पढ़ी पतली सी स्क्रिप्ट थी मुझे बहुत अच्छी लगी और वो फिल्म भी yes. कामयाब तो हुई हालांकि शायद एक हिडन मैसेज था उसमें हाँ वो जो जो सारे टेररिस्ट मुसलमान थे चारों निराक्ष मैंने पूछा भी मैंने कहा ये डिलिबरेट है कि नहीं मैंने कहा एक टेमिलियन क्यों नहीं रखा तुमने यहाँ पर नहीं नहीं वो ऐसी नथिंग पॉलिटिकल इन दिस हाउ कैन बी नथिंग पॉलिटिकल इन दिस कोई नक्सल नहीं कोई नक्सल नहीं कोई, कोई एलटीटी वाला नहीं कोई माओवादी नहीं चारों मुसलमान जबकि आज सुबह ही अखबारों की पहली खबर है कि मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहां पे जो 30 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए अब वो कौन थे किसी को नहीं मालूम और वो पॉपुलर कल्चर में आएंगे कभी विलेन की शक्ल में हाँ। मजहब का झंडा लिए हुए मजहब मतलब आखबत की फिक्र है लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं कि भाई मैं, मैं जन्नत जाऊँगा कि नहीं मैं ऊपर वाला मेरी मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं मुझे तो हमेशा से ही ये ये, ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि, कि, कि एक अल्लाह में बैठे हुए हैं ऊपर वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया उसने क्या कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो मतलब उनको फुर्सती कहाँ होगी <laughs> कुछ और करने की तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब पांच छह साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम लैप्स्ड लैप्स्ड मुस्लिम